या ओनर का नाम हो, फिर पेशेंट नंबर और इसकी डेट वगैरह हम इस पर लिखते हैं। और इसके लिए हमारे पास दूसरी चीज़ होनी चाहिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स। तो हमने खून के नमूने कैसे हासिल करने हैं जानवर से, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक वैक्यूनेटर है, इसके अंदर एक मेडिसिन होती है, ये जो आपको इसमें पानी के धब्बे से नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर एक दवाई है, इसको कहते हैं एंटी कोगुलेंट, मतलब जो खून को जमने नहीं देता, इसमें ऐसी एक दवाई होती है। तो इसके ऊपर हम फिर लिखते हैं नेम, जो बफलो का नेम वगैरह हो या ओनर का नाम हो, फिर पेशेंट नंबर और इसकी डेट वगैरह हम इस पर लिखते हैं। और इसके लिए हमारे पास दूसरी चीज़ होनी चाहिए, सिरिंज। और तीसरे नंबर पे हमारे पास होना चाहिए कोल्ड चेन बॉक्स, जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन वाला बॉक्स होता है। ये हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन वाला बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स होना चाहिए, उसमें बर्फ़ हो जिसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर सकें। तभी हम आपको ब्लड कलेक्ट करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह हमने जानवर से ब्लड कलेक्ट करके और इसमें वैक्यूनेटर में डाल के और इसको शिफ्ट करना है, ताकि अगर आप किसी जानवर का टेस्ट करवाना चाहते हो तो इसमें आपको आसानी हो। ऐसे हम दबाएँगे जिस वक्त, तो अगर देख सकते हैं कि ये वाजे होना शुरू हो गई है, ये जगह इसको नीचे से दबाना बड़ा ज़रूरी है। जिस वक्त हमने ड्रिप लगानी है उस वक्त हमने निडल इस तरीके से लगाई थी, और जिस वक्त हमने सैंपल लेना है तो हमने इस तरीके से इसको निडल को लगाना है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो गया। इधर से हमने जुगलर वेन को दबा के रखना है ताकि खून इसमें प्रेशर से आए। ये फिल हो चुकी है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको ऐसे हाथ मारेंगे। और इसके बाद हमने इसमें हम डालेंगे, छोड़े बस। वैसे इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, खुद ब खुद ये खून गिरना शुरू हो जाता है इसमें। ये हमें इसको इस तरीके से हिलाना है और इसको झटका मार के हमने इसको मिक्स नहीं करना, इसको हम इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं और इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं जल्दी बर्फ से, ताकि ये दोनों चीज़ें ले आओ भजन बर्फ से। मिनट ला, अगर आप लोगों के पास कोई बॉक्स नहीं है जिसके अंदर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो कोई भी आपके पास पानी वाला फ्लास्क हो, जैसे बच्चों की स्कूल वाली पानी की बोतल होती है, उसमें रख लें। वो भी नहीं है तो आप किसी बर्तन के अंदर हॉट पॉट जैसे होता है, हॉट एंड कोल्ड जो बर्तन होते हैं हमारे पास, उसके अंदर आप रख लें। वो भी नहीं है तो आप किसी शॉपर के अंदर बर्फ़ डाल के उसको अच्छे से उसके अंदर इसको डाल लें, या इसको डाल के एक शॉपर में डालें और साइडों में बर्फ़ डालें, तो ये तरीका भी ठीक है। और इसको जितनी जल्दी हो सके इसको लैब शिफ्ट करें। ऐसे दो सैंपल बन गए पहले, ठीक है ठीक है, मेरे भी सैंपल है, मेरे भी सैंपल, ठीक है। क्योंकि इन्हें शापर पे सुना है ना, वे रोट वजह शिपर है ना, शापर है को दिया शापर क्या हुआ है। इस तरीके से हम इसको डाल लेंगे इसमें और शापर के ऊपर लेंगे, बल्कि एक काम जो हमने करना था वो रह गया। इधर ले आए, नेम है जाफर खान और डेट है, सही डेट क्या है आज दी, यकम यकम 7/20, ये हमने इस पर डेट लिख देनी है। पेशेंट नंबर जो है ये लैब वाले लिखेंगे इसके ऊपर, और इसको हमने इसमें डाल के बर्फ़ के इसके ऊपर अच्छी तरह से कर देंगे, इस
ठीक है खान जी, को जितना जल्दी थी सकता है मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेहरबानी।